आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारी वेबसाइट के लिए कुछ इस तरह से काम करते हैं, उसमें कुछ इस तरह से चेंजेस करते हैं, सो दैट गूगल पर जब भी कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस रिलेटेड कोई भी कीवर्ड टाइप करे या कोई भी क्वेरी सर्च करे तो हमारी वेबसाइट उसे टॉप पर दिखे। अब SEO करना जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। ये प्रोसेस है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं जिसे हम ऑन पेज SEO कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वेबसाइट के बाहर जाकर हमारी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं जिसे हम ऑफ पेज SEO कहते हैं। तो आज इस एक वीडियो में आप समझेंगे कंप्लीट SEO, वो भी 20 मिनट्स के अंदर अंदर। हाँ, हो सकता है 20 मिनट से एक दो मिनट ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, बट हाँ 20 मिनट्स का टारगेट रखेंगे और 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट SEO का मैं आपको रोड मैप यहाँ पर बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आई हरमीत, वेलकम यू ऑल ऑन WsQ Tech चैनल। सो जैसा कि हमने बात की कि आज हम SEO समझने वाले हैं, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO जैसे मैंने बताया ये एक प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है, इसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आते हैं बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल की ही मैं बात करूँ तो दुनिया के मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म में से गूगल है। उसी के साथ ही अगर आप SEO को प्रैक्टिकली लाइव सीखना चाहते हैं WsQ Tech के साथ में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से वो फॉर्म फिल कीजिए और हमारे बैचेस की फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कीजिए। WsQ Tech के लाइव बैचेस में आपको मिलती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, के साथ साथ आपको सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, साथ ही ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, तो बैच के खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जिसका यूज करके आप अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर सकते हैं। अब जो ये हमारा SEO होता है, ये मैं कहूंगी टोटल 4 स्टेप्स के अंदर हमारा कंप्लीट होता है। 1 इज ऑन पेज SEO जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे वेब पेजेस को इंप्रूव करते हैं। फिर आता है हमारा टेक्निकल SEO। वैसे मेरे अकॉर्डिंग और कई सारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स के अकॉर्डिंग ऑन पेज का ही पार्ट है टेक्निकल SEO, बट इंडिया में और एशियन कंट्रीज में ऑन पेज, टेक्निकल एंड ऑफ पेज 3 पार्ट्स माने जाते हैं, बट यूजुअली देखा जाए तो 2 ही पार्ट होते हैं SEO के, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो अगर कोई आपको कहता है कि नहीं ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज 3 पार्ट होता है, तो दैट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद में आता है हमारा ऑफ पेज SEO। तो ऑफ पेज के अंदर हम हमारी वेबसाइट का प्रमोशन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर करते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हो गई एंड मैनी मोर, जिसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और जब ये पूरी चीज़ें हो जाती हैं या फिर इन्हीं के साथ साथ हम अपनी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक करना, उसका एनालिसिस करना, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी SEO की स्ट्रैटेजीज में चेंज करना, ये हमारा एक कह सकते हो आप अदर पार्ट हो गया जो कि थ्रू आउट द SEO चलता है। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ऑन पेज SEO। तो अब ऑन पेज SEO के अंदर हमारे काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, जिसमें जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ऑन पेज में, वो होता है हमारा क्वालिटी कॉन्टेंट से रिलेटेड। देखिए मैं हमेशा इवन हर मैं क्लाइंट को भी यही चीज़ कहती हूँ, हर स्टूडेंट को भी यही चीज़ कहती हूँ कि चाहे आपकी वेबसाइट पर आपने कितना भी अच्छा SEO किया हुआ है, कितने भी बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो वो सारी चीज़ें वेस्ट है। तो सबसे पहले जो SEO में हम शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत हम करते हैं क्वालिटी कंटेंट से। SEO जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उससे पहले हमारी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वेबसाइट ऑडिट। तो वेबसाइट के ऑडिट के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं क्वालिटी कंटेंट। अब क्वालिटी कंटेंट में भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो आपने कंटेंट लिखा है, जो आपके हर एक पेज पर कंटेंट किया हुआ है, क्या उसमें आपने टारगेट कीवर्ड्स यूज किए हैं। अब टारगेट कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का मतलब होता है वो फ्रेजेस, वो टर्म्स जो कि लोग सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस को ढूंढने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का एक शोरूम है, शॉप है, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स होंगे, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग इन दिल्ली, अगर मान लो आपके दिल्ली में बिजनेस है, इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, होम इंटीरियर्स इन दिल्ली, इस तरह के आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो उन कीवर्ड्स को निकालना और उन कीवर्ड्स में भी जो हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, मतलब वो कीवर्ड जिनको ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और जिन पर कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम मतलब वो कीवर्ड जहाँ पर
कम डोमेन्स जो हैं वो रैंक कर रहे हैं, जहां पर अगर आप उसको टारगेट करोगे तो आपका कंपैरेटिवली वेबसाइट ज़्यादा रैंक करेगी। तो ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना और उनको हमारे वेब पेजेस के कंटेंट में ऐड करना, दिस वुड बी योर फर्स्ट पार्ट ऑफ डूइंग SEO। उसके बाद में क्या आपके कॉन्टेंट के अंदर इंटरनल लिंक्स हैं? इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है, इंटरनल लिंक का मतलब वो लिंक जो कि आपके एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पेज है, तो उस पेज के अंदर एक ऐसा हाइपर लिंक जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप ही की वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर जाएंगे, उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि जो सर्च इंजन्स हैं वो हमारी वेबसाइट को बेटर क्रॉल कर पाएं, बेटर रीड कर पाएं। उसी के साथ साथ आपकी वेबसाइट पर कॉन्टेंट जो है वो ह्यूमन रिटन होना चाहिए। गूगल की कई सारी अपडेट्स में गूगल ने क्लियरली बोला है कि आपकी वेबसाइट पर AI कॉन्टेंट नहीं होना चाहिए, योर कॉन्टेंट शुड बी 100% ह्यूमन रिटन। उसी के साथ ही प्लेजरिज्म फ्री आपका कॉन्टेंट होना चाहिए, पीड कंटेंट नहीं चलेगा, पैराफ्रेज कंटेंट नहीं चलेगा, एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। तो अभी जो भी ऐसे लोग हैं जो AI यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए, वो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान दें, क्योंकि गूगल कई सारी ऐसी अपडेट्स निकाल रहा है, कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ बना रहा है जिसमें वो AI कंटेंट यूज़ करने वाली वेबसाइट्स को बिल्कुल हटा रहा है। उसके बाद में जब हमारा कंटेंट हमारे एक तरह से अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद में वी फोकस ऑन रिलेवेंट कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स जैसा मैंने बताया कि कंटेंट में तो ऐड होंगे ही, साथ ही हमारी वेबसाइट के जो सोर्स कोड है उसके अंदर भी ऐड होंगे। अब सोर्स कोड क्या होता है? तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पर जाने के बाद में कंट्रोल प्लस यू आप प्रेस करेंगे, तो ये आपकी वेबसाइट का सोर्स कोड है। इसी को ही जो हमारे सर्च इंजन्स हैं वो रीड करते हैं। बहुत ही रेयर चांस में हमारा कंटेंट रीड होता है, बट हमारा जो सोर्स कोड है वो सर्च इंजन्स यही रीड करते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ टैग्स होते हैं जिसके अंदर हमें कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, जिसकी मैं आगे बात करूंगी। तो यहां पर कीवर्ड्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। अब कीवर्ड रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें दो तरह के कीवर्ड्स मिलते हैं, वन इज शॉर्ट टेल एंड वन इज लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मतलब वो कीवर्ड जो कि एक जनरल टर्म को सर्च करने के लिए, जनरल टॉपिक को सर्च करने के लिए यूज किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है वो कीवर्ड जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक चीज को सर्च करने के लिए टाइप किया जाता है। तो यूजुअली हम अपनी वेबसाइट में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करते हैं। उसी के साथ ही आप कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर, जो गूगल का ही एक टूल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे पेड टूल्स भी हैं, जैसे सेमरश, AHREFs, Uber Suggest, इन सबको जो है आप यूज कर सकते हो। और अब आपको जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, आपका कीवर्ड आपके बिजनेस, आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा, आपका जो कीवर्ड है उस पर हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हाई ट्रैफिक होना चाहिए। और तीसरी चीज, उसी कीवर्ड पर लो कॉम्पिटिशन होना चाहिए जिससे हमें रैंक करने में आसानी रहे। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है वाइल डूइंग कीवर्ड रिसर्च। उसी के साथ ही जब आपके कीवर्ड्स निकला है तो आप अपने पेज के जो टाइटल हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको ऑप्टिमाइज करेंगे। आप पेज का टाइटल के अंदर ऑब्वियसली बात है जो आपने कीवर्ड्स निकाले हैं उनका आपको यूज करना है, और आपको जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको लिखना है। अब पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सोर्स कोड है हमारी वेबसाइट का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मेटा टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज WsCubeTech ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड लाइव ट्रेनिंग। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चीज है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, दैट इज WsCubeTech ऑफर्स द बेस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज एंड ऑल द थिंग्स। अब यहाँ पर ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन WsCubeTech को सर्च करेगा गूगल पर, तो या फिर WsCubeTech के किसी ऐसे कीवर्ड को टाइप करेगा जो जहां पर WsCubeTech रैंक करेगा, तो उसको ये वाला टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए। ठीक है, तो सोर्स कोड में हम इसीलिए ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को अपडेट करते हैं। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, वैसे गूगल की तरफ से तो कोई लिमिट नहीं है, बट क्योंकि आपका जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर दिखे, इसीलिए हम मेटा टाइटल लिखते हैं 580 पिक्सल के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं 920 पिक्सल के अंदर। तो ये पिक्सल जो है आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम अपनी जो वेब पेजेस हैं उनके URL को भी ऑप्टिमाइज करेंगे, हमारे स्लग जिसको बोला जाता है, परमालिंक जिसको बोला जाता है, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, और उसके अंदर हमारे वेब पेज का जो हमने टारगेट कीवर्ड लिया है उसको यूज करेंगे। उसी के साथ में जो हमारे वेब पेजेस की हेडिंग है हम उनको ऑप्टिमाइज करेंगे, H1
H2, H3 से लेकर ऐसे H6 तक हमारी टोटल हेडिंग्स होती हैं। H1 का मतलब होता है हमारी मेन हेडिंग। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो मेन हेडिंग है वो एक पेज की एक ही हो और उस हेडिंग के अंदर आपके पेज को डिस्क्राइब करता हुआ एक टाइटल जाए जिसके अंदर कीवर्ड्स भी हो। तो ये हम हेडिंग टैग्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके साथ में जो हमारी वेबसाइट की इमेजेस हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, तो इमेजेस को प्रॉपर ऑल टैग के साथ और प्रॉपर टाइटल के साथ में हम ऑप्टिमाइज करेंगे और उसमें कीवर्ड्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताने चाहूंगी कि ऑल टैग्स जो हैं बेसिकली उनका मतलब होता है कि किसी इमेज को डिस्क्राइब करता हुआ टैग। यानी अगर मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक वाइट कलर के डॉग की पिक्चर लगाई है तो आप ऑल टैग में उसको डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि जो सर्च इंजन है वो इमेज को रीड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इमेज को डिस्क्राइब करता हुआ एक टैग हम लगाते हैं। जैसे हम लिखेंगे उसमें वाइट कॉलर डॉग या वाइट कलर डॉग, इस तरह का हम जो है ऑल टैग लगाएंगे जिससे कि सर्च इंजन जब उस इमेज को क्रॉल करेगा, उस इमेज को रीड करेगा, तो उसे पता चल जाएगा ये इमेज किस बारे में। और इसी टैग को, यानी एक इमेज को डिस्क्राइब करते हुए टैग को ही हम क्या बोलते हैं, ऑल टैग। सो दिस इज अबाउट ऑन पेज एसईओ। अब चलिए बात कर लेते हैं क्विकली टेक्निकल एसईओ की। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर मोस्टली चीजें इस तरह से आती हैं कि जो हमारा क्रॉलर है वो हमारी वेबसाइट को बेटर इंडेक्स, बेटर क्रॉल कर पाए। तो सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी वेबसाइट की प्रॉपर क्रॉलिंग होके प्रॉपर इंडेक्सिंग हो पाए। तो इसलिए सबसे पहले वी टॉक अबाउट साइट मैप्स। sitemap.xml हम अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। sitemap.xml एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड सारे URLs होते हैं, सो दैट सर्च इंजन जब हमारी वेबसाइट पर आए तो उसके पास में वो फाइल हो और जिससे एक भी पेज उससे मिस ना हो। तो कई तरह के साइट मैप्स लगाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर साइट मैप है दैट इज sitemap.xml। इजीली आप sitemap.xml जनरेटर पर जाकर उसे जनरेट करके और सी पैनल की मदद से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं साइट मैप को, और फिर उसे गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमारी आती है robot.txt। कई सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट पर जिनको आप नहीं चाहते कि कोई भी सर्च इंजन रीड करे या लोगों को दिखाए, तो उन पेजेस की क्रॉलिंग को रुकवाने के लिए, रीडिंग को रुकवाने के लिए हम robot.txt फाइल का यूज करते हैं। robot.txt फाइल एक ऐसी इंस्ट्रक्शन फाइल होती है जो कि क्रॉलर्स को यह बताती है कि कौन से पेज को क्रॉल करना है और कौन से पेज को नहीं। ठीक है, उसके साथ में अपनी वेबसाइट की स्पीड पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो डेफिनेटली इससे बहुत नुकसान होने वाले हैं। क्रॉलर बेटर तरीके से क्रॉल नहीं कर पाएगा वेबसाइट को, साथ ही जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा। और आज के टाइम में यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करना हमारी वेबसाइट के रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो तो आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पीड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। वन इज LCP यानी लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, सेकेंड इज FID यानी फर्स्ट इनपुट डिले, एंड थर्ड वन इज CLS यानी क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो इन तीन चीजों को हम कंसिडर करते हैं जब भी हम ये देखते हैं कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। तो मेक श्योर करें कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये जो तीनों कोर वाइटल्स हैं, वो आपके प्रॉपरली सही हों। उसी के साथ में नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, नेविगेशन है, उसको इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली URL स्ट्रक्चर लगाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट पर जो URL है वो उसमें कुछ भी कैरेक्टर्स, कुछ भी नंबर्स इस तरह से आ रहे हो। नहीं, URL का जो स्लग है, जो परमालिंक है, वो आपका प्रॉपर विद अ कीवर्ड होना चाहिए जिससे कि यूज़र उसको पढ़ सकें, यूज़र उसको समझ सकें आखिर ये वेब पेज किस बारे में है। उसके अलावा कई बार हम ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। सो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको जो है रिटर्न नोट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पेज पर हूँ, दैट इज वॉट इज SERP, वॉट इज SERP। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रेड क्रम्ब है, यानी ये मेरी एक जर्नी यहाँ पर बताई जा रही है कि मैं किस तरह से इस पेज पर आई। तो जैसे SEO, सबसे पहले मैं ट्यूटोरियल्स में गई, ट्यूटोरियल्स में जाने के बाद SEO ट्यूटोरियल्स में गई, SEO ट्यूटोरियल्स में मैं वॉट इज SERP पर आई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मुझे वापस SEO ट्यूटोरियल में जाना है तो मैं SEO ट्यूटोरियल्स पर क्लिक कर सकती हूँ और मैं किसी भी दूसरे
दूसरे पेज पर आ सकती हूँ। अभी यहाँ पर आप देखोगे वापस आपको SEO ट्यूटोरियल्स पर जाना है तो वापस यहाँ जा सकते हो। इससे जो आपका यूजर का नेविगेशन है वो और भी अच्छा हो जाता है आपकी वेबसाइट पर। उसी के साथ ही नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई, जो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, कि इंटरनल लिंक्स आपके प्रॉपर होने चाहिए आपकी वेबसाइट में। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पर क्रॉलर भी अच्छे से क्रॉल नहीं कर पाएगा, यूजर भी जो है वो ज्यादा पेजेस पर विजिट नहीं करेगा। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देन उसके बाद में हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट पर जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो, यानी ब्राउजर से जब कोई भी आपके पेज को रिक्वेस्ट करे तो सर्वर को रिक्वेस्ट जाए और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करने में जो टाइम लगा रहा है वो कम टाइम होना चाहिए। इसी से ही आपकी वेबसाइट फास्ट हो पाएगी। अब इसके लिए अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप एक अच्छा सर्वर ले सकते हैं। मल्टीपल कंट्रीज से अगर आपको ट्रैफिक आ रहा है तो आप CDN ले सकते हैं, दैट इज़ कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क। उसी के साथ ही अगर मोबाइल ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा है तो आप AMP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस इनका यूज़ कर सकते हैं। आप जो है मोबाइल स्पीड पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई है तो उसके भी कई मेजर्स हैं स्पीड को उसकी कम करने के। और अगर आपकी कोड में वेबसाइट बनी हुई है यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनी हुई है तो आप अपने डेवलपर से कह के अपनी वेबसाइट की स्पीड को अच्छा करवा सकते हैं। उसी के साथ में एक और चीज जो हमारी वेबसाइट की स्पीड को एज वेल एज ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, दैट इज हमारी वेबसाइट में जो CSS होती हैं, JavaScripts होती हैं, HTML होती हैं, उसको हम मिनिफाई करें। मिनिफाई करोगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस जो आया हुआ है वो हट जाएगा और हमारी जो स्पेस जो ले रही हैं हमारी CSS, JavaScript, HTML वो कम हो जाएगा, जिससे पेज का जो ओवरऑल साइज है वो कम होगा। जब वो कम होगा तो ऑफकोर्स आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाएगी। उसी के साथ ही हमारी जो इमेजेस हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। इमेजेस देखो, अब आप किस फॉर्मेट में अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट पर इमेजेस, आप या तो JPG यूज़ करते होगे, PNG यूज़ करते होगे, बट सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट्स हैं जो वेबसाइट पर आपको अपलोड करने चाहिए वो हैं या तो WebP या फिर SVG। ये दो ऐसे फॉर्मेट हैं जिनको हम नेक्स्ट जन फॉर्मेट कहते हैं और इनमें अगर आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करोगे इमेजेस को तो प्लस फर्स्ट चीज़ वो साइज़ कम लेंगी, दूसरा फास्टली ओपन होंगी, है ना। तो ये दो वर्जन्स हैं, दो जो हमारे फॉर्मेट हैं इनका आप यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ में जैसा हमने बात की कि मोबाइल जो है मोबाइल फ्रेंडली आपकी होनी चाहिए आपकी वेब डिज़ाइन, आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में भी उतना अच्छे से ओपन हो, उतना फास्टली ओपन हो पाए, तो इसके लिए आप ऐसी डिज़ाइन बनवाइए जो मोबाइल में भी इक्वली अच्छे से चले। उसके अलावा पेज स्पीड पर आप काम कीजिए और मोबाइल फ्रेंडली यूज़र एक्सपीरियंस आपको देना है। उसी के साथ ही कुछ ऐसा डेटा होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि सर्च इंजन पर हमारी अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि schema.org। schema.org एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर डेटा है जिसे हम अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, अलग अलग तरीके का ये होता है और जिससे सर्च इंजन पर जब हमारी वेबसाइट प्रेजेंट की जाती है, सर्च इंजन पर जब हमारी वेबसाइट दिखती है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल ब्लू लिंक, नॉर्मल टाइटल डिस्क्रिप्शन सिर्फ ऐसा नहीं दिखती, एक बहुत ही स्टाइलिश तरीके से दिखती है जिसे हम रिच स्निपेट भी बोलते हैं, नॉलेज ग्राफ भी बोलते हैं, जिससे कि ऑब्वियसली बात है आपकी वेबसाइट पर जो CTR यानी क्लिक थ्रू रेट वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और स्पेशली अगर आपकी वेबसाइट पर कोई इवेंट है, प्रोडक्ट्स हैं, रेटिंग्स हैं किसी तरह की, तो डेफिनेटली आप स्ट्रक्चर डेटा यूज कीजिए क्योंकि इन केसेस में ये काफी ज्यादा काम आता है। उसी के साथ में जब आपने स्ट्रक्चर डेटा लगा दिया है तो उसको वैलिडेट करना ना भूलें। गूगल के कई सारे आपको स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल्स मिल जाएंगे, उनका यूज कीजिए और अपने स्ट्रक्चर डेटा को वैलिडेट कीजिए कि आपने चलो डेटा लगा तो दिया है बट वो काम भी कर रहा है या नहीं, ये देखना जरूर है आपको। उसी के साथ में नेक्स्ट चीज दैट अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी का ध्यान देना है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, HTTPS प्रोटोकॉल लगाना होना चाहिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट का इनक्रिप्शन जो है वो ऑब्वियसली बात है इनसिक्योर हो जाएगा। और गूगल ने कई सारी अपनी अपडेट्स में, न्यूज़ में ये बात कह चुका है गूगल कि I want to see SSL everywhere, यानी SSL वेबसाइट को ऑफकोर्स एक अपर हैंड मिलता है, रैंकिंग भी उनकी इम्प्रूव होती है। और उसी के साथ साथ वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी आपकी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए आप मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट पर कोई ब्रोकन लिंक्स ना हो। कोई भी ऐसे ब्रोकन लिंक्स हैं जो आपको लगता है ये पेज एग्जिस्ट करता है बट लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करें। इसके लिए आप brokenlinkcheck.com वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, उन पर क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके अलावा XML साइट मैप हम यूज करेंगे। उसके साथ ही हम अपनी वेबसाइट का क्रॉल बजट भी चेक करेंगे कि कब हमारी वेबसाइट पर क्रॉलिंग हो रही है,
कितनी हो रही है, सर्च इंजन्स कितनी बार विजिट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप टेक्निकल एसईओ के अंदर करते हैं, बट जैसे मैंने बताया ये चीज़ें जितना सुनने में आसान लग रही हैं, प्रैक्टिकली करने में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। सो गाइज, दिस इज अबाउट ऑन पेज एसईओ, जिसमें हमने कवर किया टेक्निकल एसईओ भी। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है आपको नहीं समझ में आई, तो इसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज WsCubeTech पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको कोर्स मिल जाएगा उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट पर पूरा काम करने के बाद, अपनी वेबसाइट को पूरा ठीक करने के बाद, कि अब हम दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमारी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं, इसके अंदर वो सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर हम नहीं कर रहे हैं बल्कि वेबसाइट से बाहर जाकर कर रहे हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो एक एक चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ऑफ पेज के अंदर आता है बैकलिंक्स क्रिएट करना। बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक का मतलब होता है कि जब किसी दूसरी वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, यानी अगर मेरी एक वेबसाइट है और आप मेरी वेबसाइट का लिंक, दैट इज www.harmeetkaur.com का लिंक अगर अपनी वेबसाइट पर लगाते हो, कहीं पर भी अपनी वेबसाइट में, तो आपके लिए वो क्या हो गया? एक एक्सटर्नल लिंक हो गया, लेकिन मेरे लिए वो क्या है? बैक लिंक है। अब ऑब्वियसली बात है, मैं तो चाहूंगी कि मेरी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट को मिल पाए। तो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स हम क्रिएट करें। तो अब जो बैकलिंक्स हम क्रिएट करते हैं वो ऑब्वियसली बात है, क्यों कोई हमें करने देगा? क्यों मेरी वेबसाइट का लिंक आप अपनी वेबसाइट पर लगाओगे? तो वो तब पॉसिबल होता है जब मैं आपकी वेबसाइट के लिए कुछ कर रही हूँ, यानी आपकी वेबसाइट को कुछ कंटेंट दे रही हूँ। तो ऐसे केस में, जैसे कई बार मैंने जैसे आपके लिए एक ब्लॉग लिखा और मैंने आपको बोला कि आप अपनी वेबसाइट पर इसे लगाइए, या फिर मैंने आपकी वेबसाइट पर आकर वो ब्लॉग पोस्ट पोस्ट किया और वहां पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, मतलब मैंने आपको एक क्वालिटी कंटेंट दिया, बदले में आपने मुझे बैक लिंक दिया। तो गेस्ट पोस्ट हम जो है एक टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जाकर ब्लॉग पोस्ट करते हैं, और अब ये जो साइट्स हैं, जो भी आप चूज कर रहे हो कि किस पर आपको ब्लॉग पोस्ट करना है, वो ऑब्वियसली बात है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होनी चाहिए। उसी के साथ ही कई सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली पेस्ट करते हो, उनको हम बोलते हैं सोशल बुकमार्किंग साइट्स। तो सोशल बुकमार्किंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को बुकमार्क करते हो या फिर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हो उन प्लेटफॉर्म्स पर। अभी जैसे कुछ पॉपुलर साइट्स हैं, जैसे रेडिट हो गया, स्टम्बल अपॉन हो गया, बाकी कई सारी साइट्स आपको, और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। उसी के साथ ही कई आप ऑनलाइन फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन डिबेट्स होती रहती हैं उनमें आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हो, कुछ डिस्कशंस में आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है हमारी, दैट इज सोशल मीडिया एंगेजमेंट। अब सोशल मीडिया साइट्स जो हमारी होती हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर आप ज्यादा से ज्यादा जैसे इमेज शेयर कर सकते हो, इन्फोग्राफिक शेयर कर सकते हो, छोटे छोटे पोस्ट शेयर कर सकते हो, रील्स क्रिएट कर सकते हो, और वहां पर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का ट्राई कर सकते हो। जैसे वहां पर आपने इंस्टाग्राम पर जैसे आपने बायो में अपना लिंक ऐड कर दिया, फिर आप रील्स बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि इफ़ यू वांट दिस थिंग या फिर दिस सर्विस और दिस प्रोडक्ट, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन बायो। उसके अलावा यूट्यूब पर हम कई बार प्रमोशन करते हैं, यूट्यूब भी एक तरह का सोशल मीडिया है। फेसबुक पर आप हर पोस्ट के साथ में लिंक लगा सकते हो, पिंटरेस्ट पर हर पोस्ट के साथ में लिंक लगा सकते हो। तो इमेज शेयर करके, इन्फोग्राफिक शेयर करके, आप स्मॉल वीडियो शेयर करके, पोस्ट शेयर करके आप सोशल मीडिया पर अपना जो है प्रमोशन कर सकते हो। अब एक गूगल कई बार कह चुका है कि हमारे लिए जो सोशल सिग्नल्स हैं वो एक रैंकिंग फैक्टर का काम करते हैं। सोशल सिग्नल का मतलब होता है कि सोशल मीडिया से आपको कितना एंगेजमेंट आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं वहां पर, कितना आपका फॉलोअर्स हैं, कितने आपका एंगेजमेंट है, वो सारी चीज़ें। उसी के साथ ही ब्रांड मेंशंस, यानी जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उनमें आपकी वेबसाइट का नाम कितनी बार आया हुआ है। तो आप कई जो अच्छी साइट्स हैं जहां पर लोग ब्लॉग लिखते हैं, जहां पर लोग पोस्ट करते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, वहां पर आप ट्राई कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का मेंशन आए या फिर लिंक आए या फिर ब्रांड का मेंशन आए। उसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप चाहे वो ब्लॉगर हों, व्लॉगर्स हों या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, आप उनसे कांटेक्ट करके अपने ब्रांड का प्रमोशन करवा सकते हैं, और ये भी एक एसईओ का पार्ट होगा। उसी के साथ ही ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो फीडबैक देती हैं आपकी वेबसाइट के बारे में या किसी और वेबसाइट्स के बारे में, तो उन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो अच्छी हो, पॉजिटिव फीडबैक्स आपको मिले। जैसे अगर आपकी कंपनी
कंपनी है, तो जैसे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे ग्लासडोर हो गया, naukri.com हो गया, ऐसे कई सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी, उन पर मेक श्योर करें कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले हो। उसके अलावा अगर आप रिव्यूज़ मांग रहे हैं, जैसे कि कई सारे ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो रिव्यूज़ भी ऐड करवाती हैं कि एक पर्सन ने कोई आपसे सर्विस ली है, प्रोडक्ट लिया है, तो आप उनसे रिव्यू मांग सकते हो। उसके अलावा गूगल माई बिजनेस पर आप जो है रिव्यूज़ देते हो, तो मेक श्योर करो कि वो रिव्यूज़ आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्राई करना है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ आएँ। इसके लिए आपको अच्छी से अच्छी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई कॉमेंट्स आ रहे हैं, कोई लोग मैसेज कर रहे हैं, तो उनका भी रिप्लाई कीजिए। मैं ये तो नहीं कहती डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, बट या इट कैन इफेक्ट योर रैंकिंग। उसके अलावा अगर आपका एक बिजनेस है, तो बिजनेस लिस्टिंग साइट्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पर जाकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमारी कुछ लोकल डायरेक्टरीज हो गई, गूगल बिजनेस हो गया, उसी के साथ मैं जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, लोकैंटो, इन साइट्स पर जाकर आप अपनी वेब बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज को भी लिस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ही उनको टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करते रहिए, कोई भी चेंजेस आए, कोई भी ऑफर्स आए, कोई भी चेंजेस हुए हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स पर जो आपको रिव्यूज मिल रहे हैं, रेटिंग्स मिल रहे हैं, उनको भी आप जो है मैनेज कर सकते हो। उसी के साथ ही वीडियो मार्केटिंग, और मैं कहूंगी WS Cube Tech के लिए वीडियो मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफ पेज SEO फैक्टर रहा है, क्योंकि YouTube मार्केटिंग से, वीडियो मार्केटिंग से हमें काफी ज्यादा जो है बिजनेस एज वेल एज ट्रैफिक जनरेट हुआ है। तो जैसे आप YouTube के लिए या फिर ऐसी जो पॉपुलर साइट्स हैं जहां पर वीडियो आप शेयर कर सकते हो, वो आप कीजिए, ऑडियंस को एंटरटेन कीजिए या एजुकेट कीजिए, और वहां से आप ट्रैफिक लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप YouTube पर नहीं जाना चाहते, तो सोशल मीडिया पर आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो, बट वीडियो मार्केटिंग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऑफ पेज के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिजनेस टू बिजनेस हम यूज़ करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि PDF सबमिशन, PPT सबमिशन, उसी के साथ साथ हमारी सर्च इंजन सबमिशन, बट ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि किस बिजनेस को हम डील कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस चीज़ को सीखना एज वेल एज प्रैक्टिकली अप्लाई करना SEO। सो अब जब हमारा SEO हो चुका है या फिर हम SEO कर ही रहे हैं, तो उसके बाद में बारी आती है कि हम अपने जो है ट्रैकिंग करें कि हमने क्या अचीव किया है, क्या हमने, कितना हमें ट्रैफिक मिल रहा है, कहां से मिल रहा है उसके लिए। तो इसके लिए हमारे दो टूल्स होते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पर आप अपनी वेबसाइट सबमिट करके अपनी वेबसाइट को गूगल पर मैनेज कर सकते हो। आप देख सकते हो गूगल से आपको कितना ट्रैफिक आया है, उसके अलावा आपकी वेबसाइट पर क्या क्रॉलिंग हुई है, कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, कितने पेज पर क्या ट्रैफिक है, किस क्वेरी पर आप रैंक कर रहे हो, एंड सो ऑन। उसके अलावा एक और टूल है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स बहुत ही मजेदार टूल है। कहीं से भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया, चाहे सोशल मीडिया, चाहे डायरेक्ट, आपकी वेबसाइट पर कौन आया, कहां से आया, कितनी देर रुका, क्या उसने किया, ये सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाती हैं। उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हो कि ऑर्गेनिकली कितना आपको डेटा मिला है। उसी के साथ में आप SEO के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मैट्रिक्स हैं, उनसे आप अप टू डेट रहिए। गूगल की बार बार आप अपडेट्स पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि गूगल क्या जो है अपडेट लेकर आ रहा है, गूगल जो है क्या क्या चेंजेस कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करते रहिए। सो दिस इज अबाउट SEO, एंड आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। बाकी जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिकली SEO सीखना चाहते हो, ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। सो इफ यू वॉन्ट दैट, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फिल कीजिए एंड एनरोल इन फ्री डेमो क्लासेस। बाय द वे, आप कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि और कौन सी वो वीडियोस हैं जो आप देखना चाहते हैं, और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो हम आपके लिए लेकर आए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो वो जरूर बताइएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।